तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त मैं गंगाराम, MP सतना मैहर से। दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मेरी ये 2 फीट की डिश, इसको मैंने अभी DD फ्री डिश पर सेट के रख के रखा है दोस्तों। और से अपन इसको थाईकॉम 78 सेट करेंगे। तो अपन ने DD फ्री डिश अपना इस साइड आता है, थाईकॉम 78 अपना इस साइड आएगा दोस्तों, इस साइड। तो अपन DD फ्री डिश से डिश को अपना इस साइड, दाएँ साइड मूव करेंगे, इस साइड। DD फ्री डिश से अपनी डिश हल्की ऊपर उचेगी दोस्तों। तो अपन आज DD फ्री डिश और से थाईकॉम 78 मल्टी सेटेलाइट सेट करेंगे दोस्तों। उसके लिए अपन को एक इस तरह एलेम्बिक ज़रूरत पड़ेगी और से इस तरह एक चद्दर की पट्टी लगाना पड़ेगा अपना जुगाड़ बनाने के लिए, क्योंकि अपन मल्टी सेटेलाइट सेट करेंगे तो डबल एलेम्बी लगेंगी और कुछ इस तरह से अपन को एलेम्बी लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ थाईकॉम 78 और से DD फ्री डिश एक साथ सेट करके कैसे सेट करेंगे। तो अभी देख सकते हैं DD फ्री डिश का स्टार उत्सव का चैनल चल रहा है दोस्तों। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एंटीना सेटिंग में। अब अपन चलेंगे सैटेलाइट लिस्ट में और से अपन सेलेक्ट कर लेंगे थाईकॉम 78, देख सकते हैं। और से अपन TP भी सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग TP है थाईकॉम 78 की। चलिए मैं आपको स्टॉक TP भी बता देता हूँ। तो देख सकते हैं 12518 वर्टिकल 25,000, ये स्टॉक TP है दोस्तों थाईकॉम 78 की। देख सकते हैं आप 12518 वर्टिकल 25,000, इस पर बहुत जल्दी सिग्नल मिलता है दोस्तों थाईकॉम 78 में। तो चलिए मैं आपको बैक ले चलता हूँ डिस्क की तरफ। पहले अपन LMB को इस तरह वर्टिकल में कर देंगे दोस्तों, देख सकते हैं LMB अपनी बिल्कुल सीधी रहेगी वर्टिकल में, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब चलिए मैं आपको डिश सेट करके बताता हूँ। तो अपन को इधर आता है DD फ्री डिश, इधर आएगा थाईकॉम 78, देख सकते हैं। तो अपन को डिश नीचे में सिग्नल देखते हुए और से डिश इतनी दाएँ साइड घुमाऊँगा दोस्तों, अभी हल्की और दाएँ साइड जाएगी, देख सकते हैं कुछ इतनी, और से डिश को हल्का ऊपर साइड उचाएंगे। तो यहाँ पास मेरे को थाईकॉम 78 के सिग्नल मिल चुके हैं, थोड़ा मैं डिश को एडजस्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब अपनी डिश 78 रिस्ट पर कंप्लीट सेट हो गई। अब मैं इसको पिलास की मदद से थोड़ा नट को टाइट कर देता हूँ, जिससे अपनी डिश यहाँ वहाँ हिले ना दोस्तों, क्योंकि अभी अपन को DD फ्री डिश की भी LMB इस पर लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने नट टाइट कर दिया। चलिए मैं आपको सिग्नल दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं मेरे को 12518 वर्टिकल 25,000 की TP पर 65% सिग्नल मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप थाईकॉम 78 में। अब चलिए अपन DD फ्री डिश भी सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए अपन सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेते हैं DD फ्री डिश, और DD फ्री डिश का चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार उत्सव, देख सकते हैं अभी इस पर कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा है क्योंकि नो सिग्नल हो गया है, देख सकते हैं आप। और से TP है 11171 वर्टिकल 29500, ये स्टार उत्सव की TP है दोस्तों। तो अपन को इस TP पर सिग्नल लाना है, तो इसके लिए अपन को क्या जुगाड़ बनाना पड़ेगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मीटर है और से एक वायर है, मैं इस मीटर की मदद से और DD फ्री डिश पर सिग्नल लाऊंगा दोस्तों। तो पहले अपन इस पर वायर लगा लेते हैं, देख सकते हैं ये सस्ता सुंदर टिकाऊ मीटर है दोस्तों, कोई भी सैटेलाइट पाएगा तो बताएगा ज़रूर। तो चलिए मैं LMB में भी वायर लगा देता हूँ, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं LMB और से मीटर में वायर लग कर कम्प्लीट हो गई। तो अपनी जो वायर आती है रिसीवर की तरफ से, उसको भी अपन इस LMB से निकाल लेते हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं इस वायर को निकाल करके और से मीटर में लगा लेता हूं, जिससे कि मीटर को 12 वोल्टेज सप्लाई मिलती रहे। ये बहुत बढ़िया मीटर होता है दोस्तों, कोई भी सैटेलाइट पकड़ेगा तो ये बताता ज़रूर है, बाकी आपके ऊपर रहता है कि आप इस सेट कर पाते हैं या नहीं। मैं तो जो भी सैटेलाइट सेट करता हूँ तो इसी से करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर हो गया अपना 78 ईस्ट, अपना DD फ्री डिश इस साइड आएगा दोस्तों, देख सकते हैं इस साइड से ऐसे किरण आएगी और से इससे टकराकर ऐसे LMB के बगल से निकल जाएंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अपन को LMB इस साइड लगाना है दोस्तों। तो चलिए मैं सिग्नल पकड़ा के आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह अपन को LMB पकड़ना है और से देखना है कि DD फ्री डिश के सिग्नल अपन को कहाँ पास मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं,
तो इधर मेरे को सिग्नल मिल रहा है दोस्तों डीडी फ्री डिश का हल्का फुल्का, और मीटर की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी दोस्तों। जितना मैं सेटेलाइट के करीब जाऊंगा उतनी तेज़ी से बीप की आवाज़ आएगी मीटर से। तो देख सकते हैं मेरे को इधर पास सिग्नल मिल रहा है 93 ईस्ट का। तो चलिए मैं अपनी LMB यहीं पास लगाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं पहले अपन ये LMB रख करके और से जो इस LMB में नट लगा है तो उसे अपन प्लास की मदद से ढीला कर देते हैं। ढीला क्या उसको निकाल के बाहर कर लेते हैं और से इस LMB को लगाने का जुगाड़ बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं नट को टाइट कर देता हूँ प्लास की मदद से, देख सकते हैं। अब मैं LMB को थोड़ा एडजस्ट करूँगा दोस्तों सिग्नल देखते हुए और से मीटर की आवाज़ को सुनते हुए अपनी LMB एडजस्ट करूँगा 93 डिग्री ईस्ट पर। तो जितना मैं सेटेलाइट के करीब जाऊंगा उतने ही मेरे मीटर की आवाज़ तेज़ होती जाएगी। तो देख सकते हैं अपनी LMB कसकर तैयार हो गई, देख सकते हैं आप डीडी फ्री डिश में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जो मैं LMB अलग से लगा हूँ ये अपनी डीडी फ्री डिश और मेल LMB अपनी थाईकोम 78 पर। चलिए मैं आपको सिग्नल भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के सिग्नल 11171 वर्टिकल 29500 की TP पर मेरे को 67% सिग्नल मिल रहा है। चलिए मैं आपको चैनल भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये अपना स्टार 100 चल पड़ा है। तो अपन दोनों सेटेलाइट एक साथ देखने के लिए आपको एक इस तरह डिस्क्रीसी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। देख सकते हैं मेरे पास 4 पोर्ट की डिस्क्रीसी स्विच है, देख सकते हैं। और से एक इस वायर के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों दोनों सेटेलाइट एक साथ चलाने के लिए। तो चलिए मैं वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अपन जो मेन LMB है थाईकोम 78 पर उसमें मैं वायर लगा लेता हूँ दोस्तों, और से जो DD फ्री डिश पर वायर लगी हुई है तो उसको भी मैं निकाल करके और से डिस्क्रीसी स्विच में लगा लिया हूँ, देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह सेटअप आएगा। ये मेन LMB अपनी थाईकोम 78 की है और से वायर देख सकते हैं ऐसे घूमते हुए अपने डिस्क्रीसी स्विच में लगी हुई है। और से देख सकते हैं पोर्ट 4 पर लगा के रखा हूँ थाईकोम 78 को। और से ये देख सकते हैं दोस्तों ये 3 नंबर पोर्ट पर लगी अपनी DD फ्री डिश और से ऐसी वायर गई हुई है। और से देख सकते हैं ये LMB से जाकर लगी हुई है। तो आप इस तरह सेट कर सकते हैं दो सेटेलाइट एक साथ। चलिए मैं आपको दूर से दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह अपनी डिश दूर से देखने पर नज़र आएगी, देख सकते हैं इतनी दूरी पर अपनी LMB लगेगी दोस्तों। अब चलिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। तो ये काली वाली वायर जो देख सकते हैं ये अपनी गई है रिसीवर की तरफ, देख सकते हैं ऐसे घूमते हुए। और से ये अपना सिस्टम यहीं रखा हुआ दोस्तों, तो देख सकते हैं रिसीवर पर लगी हुई है। और से रिसीवर से ये एक वायर गई हुई है जो अपनी LED पर लगी है जा करके, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपन आपको मैं सिग्नल चेक करा देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी स्टार 200 की TP पर नो सिग्नल है। तो चलते हैं एंटीना सेटिंग में और से अपन DD फ्री डिश को पोर्ट 3 पर लगा के रखे हैं। तो इधर अपन कर देते हैं पोर्ट 3, देख सकते हैं। और से पोर्ट 3 करते ही अपन को 67% सिग्नल मिल गए दोस्तों, देख सकते हैं। और आप यहां से TP भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब चलिए मैं आपको फिर एंटीना सेटिंग में ले चलता हूं और से DD फ्री डिश की ब्लाइंड स्कैनिंग करके आपको दिखा देता हूं कि कितने चैनल मुझे मिलते हैं मल्टी सेटेलाइट सेट करने में। तो चलते हैं TP लिस्ट में और से पुरानी सभी TP कर देते हैं डिलीट। तो TP डिलीट कर देंगे दोस्तों तो चैनल ऑटोमेटिक ही सभी डिलीट हो जाते हैं, इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो सभी में TP डिलीट करके ही दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं अब अपन करते हैं ब्लाइंड स्कैनिंग, और ब्लाइंड स्कैनिंग का वीडियो कर देता हूँ फास्ट जिससे कि अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और से स्कैनिंग जल्दी कंप्लीट हो जाए दोस्तों। तो देख सकते हैं अपन को DD फ्री डिश और से डिश TV दोनों सेटेलाइट के बराबर चैनल मिल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो टोटल 557 चैनल मिले हैं दोस्तों, 22 TPs मिली हैं, देख सकते हैं। तो चैनल कर लेते हैं सेव, कुछ चैनलों पर थोड़ा कम सिग्नल मिल रहा है दोस्तों। चलिए मैं आपको DD फ्री डिश के चैनल भी चला के दिखा देता हूँ। तो पहले अपन फ्री टू ईयर और स्क्रम्बल कर लेते हैं अलग, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और से चलिए मैं आपको एक नंबर से चैनल लिस्ट भी दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों मल्टी सेटेलाइट सेट करने पर आपको डीडी फ्री डिश के सिग्नल तो प्रॉपर मिल जाएंगे, लेकिन डिश टीवी के चैनल पर कुछ टीपियों पर थोड़ा सिग्नल की दिक्कत आएगी। तो यदि आप और गौर से LMB अगर एडजस्ट करते हैं दोस्तों ध्यान से, तो आपको डिश टीवी के भी सभी चैनल बराबर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ चैनल चला कर भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के सभी चैनल बराबर वर्क कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा तबीयत में दिक्कत है दोस्तों, जिस कारण थोड़ा आवाज़ इस बार वीडियो में कम आएगी, क्योंकि सर्दी जुकाम टाइप का बना हुआ है, तो जिस कारण है बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है आवाज़ सही नहीं आए वीडियो में। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ फिर सेटेलाइट लिस्ट में। अपन थाईकॉम 78 सेलेक्ट करते हैं, और से थाईकॉम 78 को अपन पोर्ट 4 पर लगा के रखे हैं, तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं पोर्ट 4, देख सकते हैं। और से पोर्ट 4 करते ही 46% सिग्नल मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और से ये थाईकॉम 78 मेरे एरिया में आउट ऑफ कवरेज है दोस्तों, फिर भी 2 फीट डिश पर आ जाता है, लेकिन सभी टीपियाँ तो नहीं आती, कुछ टीपियाँ मिल जाती हैं। चलिए पुरानी टीपियाँ कर लेते हैं डिलीट, और से आपको दिखाते हैं ब्लाइंड स्कैनिंग। तो ब्लाइंड स्कैनिंग कर देते हैं स्टार्ट। ब्लाइंड स्कैनिंग का वीडियो इसका भी मैं फास्ट करूंगा, क्योंकि ब्लाइंड स्कैनिंग का वीडियो दिखाने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं 144 चैनल रिसीव हुए हैं दोस्तों थाईकॉम 78 के 2 फीट डिश पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ टीपी भी दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार फिर। आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग टीपी नोट कर सकते हैं 12518 वर्टिकल 25,000, ये थाईकॉम 78 की स्ट्रॉन्ग टीपी है दोस्तों, इस पर बहुत जल्दी सिग्नल मिलता है। तो यदि आप भी इस तरह सेट करना चाहें तो आप भी आराम से सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन चैनल लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 78 डिग्री ईस्ट के, तो देख सकते हैं। और इस सेटेलाइट पर अपन को ज़्यादातर चैनल स्क्रम्बल मोड में मिलते हैं दोस्तों, लेकिन पावर व्यू और से बिस्की में चलने लगते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के चैनल अपन को इस सेटेलाइट पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ कितने चैनल मेरे को फ्री टू एयर मिल रहे हैं इस सेटेलाइट पर, क्योंकि 2 फीट डिश पर मेरे को ज़्यादा चैनल रिसीव नहीं होते हैं दोस्तों थाईकॉम 78 के, क्योंकि मेरे यहाँ कवरेज नहीं है थाईकॉम 78 का, फिर भी इतने चैनल अपन को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं 42 चैनल मेरे को फ्री टू एयर मिले हैं दोस्तों, बाकी के चैनल स्क्रम्बल हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये मल्टी सेटेलाइट का डिश सेटिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।